विनोद जी, जो आरोप इस चार्जशीट में लगे हैं और इंडियन एक्सप्रेस ने लगातार दो दिन जिस तरीके का खुलासा किया है और अपनी पहली लीड बनाई है, जिस तरीके की जानकारियां इसमें दी गई हैं, क्या वो गंभीर आरोप नहीं है विनोद जी? बेहद गंभीर आरोप है और मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि मेरी जानकारी में कोई ऐसा मामला नहीं आता कि जब किसी व्यक्ति पर इतने गंभीर आरोप लगे हों महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने के और उसकी गिरफ्तारी न हुई हो। आमतौर पर होता यह है कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के बाद फिर व्यक्ति जो है अदालत जाता है, वहां से जमानत की अपेक्षा करता है और जमानत अगर मिल जाती है फिर चार्जशीट फाइल होती है और केस चलता रहता है। यहां तो गिरफ्तारी हुई नहीं, चार्जशीट फाइल हो गई, अब केस चलेगा, तो मतलब ये तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई भाई। हम तो जेब जरा सा कोई किसी की जेब काटता हुआ पकड़ा जाए तो तुरंत जेल भेज दिया जाता है, उसके बाद महीनों अंडर ट्रायल में पड़ा रहता है, उसके कोई तारीख भी नहीं लगती। और भूषण शरण सिंह, मतलब इतने गंभीर आरोप, इतना बड़ा आंदोलन पहलवानों का, खापों का दबाव, सब बड़े बड़े विपक्षी नेता पहुंच गए, सब हो गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद FIR होती है। पास्को का मामला जिस तरीके से वापस हुआ वो सबके सामने है, वरना पास्को का तो कानून ये कहता है कि मुकदमा दर्ज होते ही गिरफ्तारी होती है। यहां तो मौका दिया गया कि भाई समझौता का हो जाए और पूरा, मतलब यानी क्या ये एक नजीर बन गई है कि भविष्य में किसी के खिलाफ पास्को का मुकदमा दर्ज होगा तो उसको इतना मौका दिया जाएगा कि जो पीड़ित है वो अपना केस वापस ले ले, इतना समय दिया जाएगा? तो पूरा समय दिया गया और उसके बाद पीड़िता ने अपना केस वापस लिया और उसके बाद जब उस किनारे कर दीजिए तो बाकी जो मामले हैं उन पर चार्जशीट भी हो गई और गंभीर आरोप है, सब है, लेकिन ब्रजभूषण धन सिंह कह रहे हैं मैं इस्तीफा क्यों दूं? और पूरा वो देखा आप लोगों ने वीडियो। आशुतोष जी, मुझे लगता है कि ये जो कहावतें बनी है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, समर्थ का नहीं दोस्त गुसाई, तो ये इसीलिए ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई शायद। और आज सबसे बड़ी बात ये है, अभी हमारे मित्र उत्कर्ष जी ने कहा कि गृहमंत्री जी अमित शाह जी तभी कार्रवाई करते हैं जब बहुत दबा, हमें तो पता ही नहीं कभी अपने आदमी पे किसी कार्य कभी कोई कार्रवाई की हो इस सरकार। ये तो पैटर्न गुजरात से है भाई। और इस सरकार ने अभी जब कभी भी आरोप लगता है, आप देख लो 2014 से जितने आरोप मंत्रियों पर लगे, अब भाई टेनी का मामला, टेनी का विभाग तक नहीं बदला गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में होता है चलो मंत्रिमंडल से नहीं हटाएंगे क्योंकि मंत्री सीधे उस पर मुकदमा नहीं है, लेकिन बेटे पर है तो चलो विभाग बदल दो, विभाग ही नहीं बदला गया, वो पुलिस का विभाग ही उनके पास रहा जिसमें पूरे मतलब चांस होते हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सके, प्रभाव डाल सके। वो तो फिर भी मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को और योगी आदित्यनाथ की सरकार को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने त्वरित वहां पर मुकदमा दर्ज करके उनके बेटे को जो है जेल भेजा और सारा, और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसमें हस्तक्षेप करके उसको किया। विनोद जी, यहाँ पे छोटा छोटा सवाल है कि जब MJ अकबर के ऊपर जो विदेश राज्य मंत्री थे उनके ऊपर जब मीटू के आरोप लगे थे तो उसके कुछ समय के बाद उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद से पार्टी में कभी एक्टिव दिखाई नहीं पड़े, ना तो प्रवक्ता के तौर पर दिखाई पड़े, ना कहीं किसी तरीके से कोई राजनीतिक गतिविधि करते हुए दिखाई पड़े, वो कहाँ है ये भी किसी को जानकारी नहीं। और मीटू के आरोप से ज्यादा गंभीर आरोप ये है क्योंकि यहाँ न केवल आरोप लगाए गए बल्कि उन आरोपों की वजह से देश भर के अंदर हंगामा मचा, खिलाड़ी धरने पर बैठे और वो खिलाड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया था, ओवरसाइट कमेटी बनी, सब कुछ हुआ, खाप पंचायतें बैठी। तो मीटू के मामले में तो MJ अकबर खिलाफ कार्रवाई हो गई लेकिन अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं, जबकि उनसे ज्यादा गंभीर आरोप है, पुलिस चार्जशीट दाखिल कर, ये फर्क क्यों है? आशुतोष जी, जब मीटू के मामले में MJ अकबर पर कार्रवाई हुई, उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया गया तो उसको बहुत ऐसे प्रचारित किया गया, देखिए साहब एक उंगली उठी और सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया और उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया। लेकिन MJ अकबर विद्वान आदमी है ना, बाहुबली नहीं है वो, जैसा कि आज तो ये अपने उत्कर्ष जी कह रहे हैं, वो 3-4 सीटें लोकसभा की जितवा हरवा नहीं सकते। तो
आसान था, उनको हटा दिया गया और एक परसेप्शन भी बिल्डअप हो गया भाई सरकार बिल्कुल महिलाओं के मामले में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। यहाँ तो मतलब टॉलरेंस की इंतहा हो गई कि कितना टॉलरेंस। और अब तो मुझे लगता है कि देखिए मीडिया ने भी उस पर तवज्जो देना बंद कर दिया, वो तो इंडियन एक्सप्रेस ने दो दिन लगातार स्टोरी करके इस बार फिर से ध्यान दिलाया, बाकी ना तो टीवी चैनलों में कोई डिबेट हो रही है, आपने एक डिबेट कर ली, हम लोग आ गए, ना मीडिया में कोई ह्यूमन क्राई हो रहा और ना ही विपक्षी दल या खाप संगठन या पहलवानों के समर्थन में आंदोलन करने वाले वो सब खामोश हो गए अब कि भाई ठीक है अब तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, अपने हिसाब चलता रहेगा, बहुत चिल्ला लिए बहुत बोल लिए, तो बड़ा मतलब उदासी भरा सीन है, बहुत ही निराश करने वाली स्थिति है कि इसका मतलब कि कोई भी कुछ भी अगर ताकतवर है बाहुबली है तो कुछ भी कर ले, इस पर कुछ भी आरोप लग जाए चार्जशीट हो जाए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं पाकिस्तानी सीरियल देखता हूँ तो उसमें जो वो वडेरेज हैं वहाँ के उनके इलाकों में उनकी हुकूमत चलती है, वहाँ दरोगा भी जाके उनके सामने और अफसर भी जाके उनके सामने नतमस्तक होते हैं, अब वो पूरा तो कुछ कुछ वैसे ही लग रहा जैसे मतलब ये कि कानून बिल्कुल लचर हो गया हो सामने। तो मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता कि जो भारतीय जनता पार्टी जो नारे के साथ आई थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, और हमेशा जो है ये बात कही जाती है और लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं की सुरक्षा की बात की, याद कीजिए उनके भाषण में कितना जोर दिया गया उसमें, लेकिन उसके बाद ये शांति ये चुप्पी ये कार्रवाई न होना एक बड़ा मतलब आश्चर्य भी होता है दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है सब की क्या हो क्या रहा है। बिल्कुल, बाकी तो प्रकाश हमारे भी तो विजय जी अच्छी तरह डालेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।